11.3 का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये कोई पहली दफा आप लोग नहीं पढ़ रहे इस टॉपिक को, आप सेकंड टर्म में पढ़ोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चों जो प्रूफ है फॉर्मुलों का वो बुक में लिखा हुआ है, जिसको शौक हो वहां पे देख ले। अगर कोई पॉइंट ना समझ आ रहा ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। इसकी भी डेरिवेशन एक जमाने में पेपर में आई थी, एक जमाने में, लेकिन इतनी डेरिवेशन याद रखने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। अगर याद रखना चाह रहे हो तो जो पहला वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, उसकी डेरिवेशन याद रख लेना। वो 11.2 खत्म होने के बाद ही उस पेज पे लिखी हुई है, तो अगर आप लोगों को शौक हो तो वहां से देख लेना। लेकिन यदि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिकमेंड ये करता हूँ भाई, अगर बिलफर्ज को ऐसी फालतू डेरिवेशन आ भी गई तो चॉइस में छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर किसी को शौक हो तो जो डेरिवेशन पहला वाला फॉर्मूला जो मैं करवाऊंगा ना, उसकी डेरिवेशन आ चुकी है एग्जाम, तो करना हो कर लेना। बहुत ईजी तरीका है उसका समझने का, बुक में पूरा डायग्राम बना के समझाया है, छोटी सी डेरिवेशन है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आपको उसकी बेस पता है, आपको उसकी हाइट पता है। ये बेस हाइट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई राइट ट्राइंगल तो बना नहीं रहा, तो राइट ट्राइंगल के अलावा अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें बेस किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ट्राइंगल इस तरीके से है, तो अब इसमें बेस क्या होगी? आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हो। आप कहते हो कि मैंने इस साइड को बेस लेना है, आप इसको ले लो। आप इसको साइड को लेना चाह रहे हो, आप इस साइड को बेस ले लो, इसको ले लो बेस, आपकी मर्जी होती है, किसी एक को भी आपने बेस लेना होता है। तो एज्यूम कर लो ये वाली साइड जो है ये मेरी बेस है, ठीक है, इसको मैं बी कह देता हूँ, बी फॉर बेस। दूसरी चीज होती है हाइट। हाइट क्या होती है? कि जो इस साइड के सामने वाला वर्टेक्स है ना, उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर एज्यूम कर लो यहां पर ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले आपने बेस आइडेंटिफाई की, ये परपेंडिकुलर लग नहीं रहा, खैर चलो एज्यूम कर लो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, कि ये मेरी बेस मैंने कंसीडर की थी, ठीक है। इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से मैंने एक 90 डिग्री की लाइन नीचे ड्रॉप कर दी। ये जो पूरी लाइन की लेंथ होगी ना, इसको हम बोलते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला होता है 1/2 BH, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये क्लासिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। फिर उसको हमने अपने मतलब के लिए ट्रिग्नोमेट्री में अलग पढ़ा हुआ है, आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में फ्यूचर में जाके अलग पढ़ोगे, वेक्टर्स के अंदर आप अलग पढ़ोगे। बेसिक फॉर्मूला यही होता है। अब कोई कहता है कि सर मुझे बेस कोई और साइड लेनी है, तो ले लो भाई, फॉर्मूला आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि ट्राइंगल सेम ही है। अगर आप कहते हो ये मैं इसको बेस लेना चाह रहा हूँ, तो आप इस वाली साइड को बेस ले लो। अब आपकी हाइट क्या होगी? ये जो वर्टेक्स है ना, जो इसके सामने है ये वाला वर्टेक्स, आपने क्या करना है, इससे आपने 90 डिग्री ड्रॉप करना है बी के ऊपर। जरूरी नहीं है कि जो आप 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो वो ट्राइंगल के अंदर ही आए, ऐसा भी हो सकता है वो ट्राइंगल के बाहर आए। जैसे मैं आप लोगों को मजीद ही क्लियर करता हूँ, इसको और छोटा कर लेते हैं, इस तरह बनाता हूँ मैं, ये भी है। तो अब बिलफर्ज अगर आप ये जो साइड है ना छोटी सी, इसको बेस लेना चाह रहे हो, अगर इस वाली साइड को आप बेस लेना चाह रहे हो, तो हाइट यहाँ पे क्या होगी? हाइट होती है जो इसके सामने वाला वर्टेक्स है, उससे आपने 90 डिग्री बनाना है। लेकिन 90 डिग्री आप इस साइड के ऊपर गिरा नहीं सकते, क्योंकि जब आप इस साइड के ऊपर गिराओगे तो वो 90 डिग्री का होगा नहीं। तो 90 डिग्री कहाँ पे गिरेगा? आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कर दिया आपने साइड को, अब 90 डिग्री आप इस तरीके से बनाओगे। तो अगर आप इस वाली साइड को बेस लेना चाह रहे हो, तो ये आपकी बेस हो जाएगी, जो भी साइड की लेंथ है वो बेस है। और हाइट क्या होगी? ये पूरी अब आपकी हाइट है, इसको आप हाइट बोलोगे। तो सिंपल हाइट क्या होता है? बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है, उससे आपने 90 डिग्री ड्रॉप करना। अगर वो उस साइड के ऊपर ड्रॉप नहीं हो रहा, तो आप उस साइड को एक्सटेंड कर दो और उसके बाद ड्रॉप कर लो। तो जो इस पूरे हाइट, जो इसकी लेंथ होगी, वो हाइट मानी जाएगी। इस हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास ट्राइंगल का एरिया। ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको यूज करके आपने बाकी फॉर्मूले जो है वो डिराइव किए हैं। तीन किस्म के यहाँ पे फॉर्मूले हैं। सबसे पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जरा देख लेते हैं। केस वन जिसको बोला जाता है, कि जब आपको दो साइड्स और एक एंगल अगर गिवन हो ट्राइंगल का, और एक एंगल का मतलब इंक्लूडेड एंगल। क्या हो गया, किसका माइक्रोफोन ऑन है? फिलहाल माइक्रोफोन ऑन है यार तुम्हारा। अच्छा, तो दो साइड और एक एंगल गिवन हो, और कौन सा एंगल? जो इंक्लूडेड वाला। अगर इंक्लूडेड वाला नहीं गिवन होगा, तो आपको पूरी दोबारा वही ट्राइंगल को सॉल्व करके इंक्लूडेड वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन आपको इंक्लूडेड ही देंगे वो पेपर में। तो जब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, 1/2 AB sin γ। एज्यूम करो कि आपको सवाल में दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया जाए, तो तीन पॉसिबिलिटी है इसकी। सबसे पहले कि आपको ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, और उसके साथ गैमा
एंगल दे दिया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपको बी दे दे, आपको सी दे दे और उसके साथ अल्फा दे दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपको ए दे दे, आपको सी दे दे और इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, बीटा, ये भी आपको दे सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीन ही फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। तो पहला फॉर्मूला ये है, इसकी डेरिवेशन में कह रहा हूं, अगर चाहो तो याद कर लेना, बुक के पहले पेज पे लिखी हुई है ना। दूसरा फॉर्मूला कंसिडर कर लो कि अगर आपको बी सी और अल्फा दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला बनेगा, 1/2 BC sin α। और एज्यूम कर लो अगर आपको ए सी दिया हुआ है तो फॉर्मूला होगा 1/2 AC sin, अब इसका इंक्लूड एंगल क्या होगा, बीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करोगे जब आपको दो साइड और एक एंगल पता हो। अब जरा केस टू पे आ जाओ। केस टू कहता है कि जब आपको दो एंगल और एक साइड पता हो, जब आपको दो एंगल पता होंगे ना तो बच्चों तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब, सवाल में दो एंगल अगर आपको दिए हुए और एक साइड दी है तो दो एंगल से आपके पास तीसरा एंगल आसानी से आ जाएगा, और उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 1/2 A² अगर आपको साइड ए दी हुई है और बाकी कोई भी दो एंगल दिए हुए होंगे, आप तीसरा निकाल लोगे आसानी से। तो कहने का मतलब बाकी तीनों एंगल आपके पास मौजूद होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। अगर ए है, सामने वाला एंगल अल्फा होता है ना, तो वो नीचे आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपको साइड बी दे दी गई है तो बी के सामने वाला एंगल क्या होता है, बीटा, तो वो नीचे आ रहा होगा और बाकी दो एंगल आप ऊपर लिख दोगे, साइन अल्फा साइन गामा। और तीसरा फॉर्मूला है 1/2, अगर आपको सी दिया है आप साइन गामा नीचे आएगा, बाकी साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर आएगा। तो तीन फॉर्मूले आपने यहां पे पढ़ लिए कि जब आपको दो एंगल और दो साइड दी हुई है, सॉरी, दो एंगल और एक साइड दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आप साइड ए दी हुई है आपको तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बी दी हुई है तो ये वाला, सी दी हुई तो ये वाला। डेटा के मुताबिक आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लोगे। और यहाँ पे तीसरा केस है, वो तीसरा केस क्या है कि जब आपको तीनों साइड दी हुई हो, आपको तीन साइड दी हुई है, अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो अब फॉर्मूला होगा जिसको आप कहते हो हीरोज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। और ये जो एस है ना, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, 1/2 A + B + C, ये फॉर्मूला होता है, इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ये जो आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा है ना, इसका एक नाम भी है, वैसे तो साइंटिस्ट के ऊपर है, जिसका नाम था हीरोन, लेकिन उसको पता नहीं एन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के चक्कर में एन हटा के ना हीरोज फॉर्मूला कर दी है। कोई ग्रीक साइंटिस्ट था या कौन था ये, तो खैर इसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जब तीन साइड गिवन होती हैं तो एरिया, ये एरिया का सिंबल होता है, एरिया वैसे तो ट्राइंगल का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको एरिया के सेंस में यूज कर रहे हो। कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, अगर तीन साइड गिवन होंगी आपको एस चाहिए होगा, तब तीन साइड गिवन है तो एस आसानी से आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन निहायत इजी है, बस आपने फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये पेज नंबर 329 पे 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब जरा देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में आपको दो साइड एक एंगल दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में दो साइड एक एंगल, पार्ट नंबर 3 में दो साइड एक एंगल। शुरू के तीन पार्ट में आपको दो साइड एक एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा वाला सवाल कर रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यू सारी कैलकुलेटर में ही आपने कैलकुलेट करनी है, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं पार्ट नंबर 2 करवा देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 गिवन है, बी है 63, सी है 17 और अल्फा है 120। वैसे पेपर में बाय द वे सवाल आएंगे नहीं, ये तो बहुत फॉर्मुलों की प्रैक्टिस बेसिक से सवाल है ना, अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद में इनको जो एंड पे वर्ड प्रॉब्लम है ना उनके चांसेस होते हैं ज्यादातर आने के। पारल, आपको बी और सी दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बी सी अल्फा वाला। तो हो जाएगा 1/2 BC sin α। एरिया निकालने का फॉर्मूला, बी की वैल्यू पुट कर दो 63, सी पुट कर दो 17 और अल्फा की जगह पुट कर दो 120 डिग्री। पूरी चीज कैलकुलेटर में डालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसके आगे आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो
जब किसी चीज का यूनिट नहीं होता ना, फॉर एग्जाम्पल मेंशन नहीं उन्होंने किया हुआ कि सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो हम एक यूनिट का वर्ड यूज करते हैं। जैसे बी दिया हुआ है 63, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, बी जो है वो 63 यूनिट है। कहने का मतलब इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ना, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर माइल्स, कुछ ना कुछ तो होगा इसका, तो इसको हम सिर्फ यूनिट लिखते हैं। जबकि एरिया जो है ना, अगर आप लोगों को पता हो कि अगर लेंथ सेंटीमीटर के अंदर है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर आ रहा होता है। अगर लेंथ मीटर के अंदर है तो एरिया के अंदर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के अंदर होता है मीटर क्यूब। तो इसी तरह अगर बी और सी इनका यूनिट मेंशन नहीं है, जस्ट आपने यूनिट लिखा है, तो एरिया का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, मतलब अगर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से आप मेंशन करते हो। तो एरिया के आगे आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, जो वैल्यू आई होगी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, इन तीन के तीन पार्ट में आपको दो एंगल और एक साइड दी हुई है। तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 4 करवा देता हूं। क्या मेंशन है कि C36 है, α46 है और β66 है। सिक्स से बहुत लगाव है इस सवाल में इनको। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जिस फॉर्मूले में सी आता है, कौन से वाले फॉर्मूले में सी आता है, इस वाले फॉर्मूले में सी आता है, तो जरूर यूज करते हैं। 1/2 C²(sin α sin β/sin γ). अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पे बेसिक से काम कर लेना कि आपको अल्फा बीटा पता है, गैमा निकाल लेना। गैमा क्या होता है, 180° -α - β। तो 46 और 66 कितना होता है, 72, 112 होता है। 112 में से अगर आप निकालोगे कि 68 आएगा गैमा, चेक कर लेना। 68° एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल कि गैमा ये है। तो बच्चों हर चीज आपने पुट करनी है इसके अंदर, C 36 है, α 46, β 66, γ 68, पूरी चीज कैलकुलेटर में सॉल्व करना, अगेन आपके पास एरिया आ जाएगा। अरे कौन सा सवाल है जो मैं यहाँ पे करवाऊँ, सेम बाकी सवाल भी आप लोग देख लो, जो पार्ट नंबर 7 है, 8 है, 9 है। अब इन तीनों पार्ट में आपके पास तीन साइड गिवन है, तो सवाल मैंने पहले भी करवाया था, इस फॉर्मूला को थोड़ा यूज करना आप लोगों को सिखाया हुआ था। सबसे पहले जो एंड के तीन पार्ट है ना, उनमें आप लोगों ने एस निकालना है। एस कैसे निकालोगे, 1/2, तीनों साइड को ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास एस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आपने एस पुट कर देना है, जहां जहां एस आ रहा है वहां एस पुट कर देना, A B C तो आपको सवाल में ही गिवन है, और क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों फॉर्मूलों का यूज भी आपको सिखा दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में, बहुत बेसिक से फॉर्मूले ये। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट, तो लिख लेते हैं। आपको एरिया गिवन है 3.346 स्क्वायर यूनिट। अच्छा जी, फिर मेंशन किया हुआ है इफ बीटा, आपको बीटा दे दिया है, बीटा है 20.9 डिग्री, और आपको दे दिया है गैमा 117.2 डिग्री। आपको बीटा और गैमा पता है, सवाल क्या है, फाइंड ए एंड एंगल अल्फा। आपको यहाँ पे ए निकालना है और यहाँ पे आपको अल्फा निकालना है, तो दो अननोन है जो आपको यहाँ पे निकालने हैं। जरा कैसे निकालेंगे देख लो, देखो अल्फा निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकालना कौन सा बड़ा चीज है। तो यहाँ पे यूज करना कि सेंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180° होता है, तो अल्फा किस तरीके से निकालोगे, बीटा गैमा को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 180° -20.9 -117.2। अब ये काम आप लोगों का है, यहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा, तो एक चीज तो आ गई। अब आपको ए निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। कैसे निकालोगे, अगर आप देखो तो आपको दो एंगल पता है और आपको साइड निकालनी है, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें दो एंगल आते थे और एक साइड आती थी, वो जो केस टू आपने पढ़ा था। तो अब केस टू का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ए आता था, वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये वाला 1/2 A²(sin β sin γ/sin α। अब यहाँ पे आपके पास अननोन क्या है, पहले आप एरिया निकालते थे, अब आपको एरिया नहीं निकालना, अब आपको एरिया गिवन है, आपको यहाँ पे ए निकालना है। तो हमें काम करते हैं, इस फॉर्मूले से हम ए को जरा अलग कर लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर को फिलहाल अलग कर लो। कैसे करोगे, सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है और साइन अल्फा है, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 sin α (δ). अच्छा,
इस वाली तरफ न्यूमरेटर में क्या है, साइन बीटा साइन गेमा, ये जब इधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, साइन बीटा साइन गेमा। तो कहने का मतलब ये जो पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में मैंने ए को सब्जेक्ट बनाया, ए को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और बाकी जो पूरी चीजें वो आपकी राइट हैंड साइड पे। अब बच्चों आपको यहाँ पे हर चीज पता है, टू साइन एल्फा जो निकाला होगा पुट कर देना यहाँ पे। अच्छा एरिया आपको पता है 3.346 है, साइन बीटा बीटा भी आपको पता है 20.9 है, और साइन गामा 117.2 डिग्री। पूरी चीज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ए स्क्वायर का आंसर। आप लोगों को बेहतर पता है इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग इसका रूट लेना और आपके पास फाइनल ए का आंसर आ जाएगा। तो अल्फा भी आपने निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो बहुत इजी इजी ट्रिग्नोमेट्री आपकी रहेगी है चैप्टर नंबर 11 में, मुश्किल वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 एंड 5। अब उन्होंने नाम नहीं दिया इसका, बोला कि दो साइड है 4 और 5, अब अपनी तरफ से नाम दे देना। फाइंड द थर्ड साइड, तीसरी साइड निकालनी है, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। अब एज्यूम कर लो कि जो दो साइड गिवन है, मैं उसको ए और बी का नाम देता हूँ, कि आपको गिवन है ए साइड जो है वो 4 यूनिट है और जो बी साइड है वो 5 यूनिट है, और एरिया आपको गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट, एरिया भी आपको गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट, और आपको निकालना है क्या, तीसरी साइड। अगर ए और बी गिवन है तीसरी साइड क्या होगी, सी, तो आपको यहाँ पे सी निकालना है, ये डाटा गिवन है। अब देखो डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप सी निकाल सको, जैसे ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए और बी आता था, अगर आपको याद हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए और बी आता था, अगर आपको याद हो उसमें साथ गैमा आता था, मतलब सी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सी वाला फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा था आपने, या तो यहाँ पे पढ़ा था 1/2 BC sin alpha, या आपने पढ़ा था 1/2 AC sin gamma। केस 1 में आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, केस 1 के फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप इन इक्वेशन में देखो सी आ रहा है, तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे आपको अल्फा नहीं पता, तो उसका मतलब सी आप निकाल नहीं सकते, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दूसरे वाले फॉर्मूले में देखो ए पता है, ये पता है आपको, सी निकालना है लेकिन आपको गैमा भी नहीं पता यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आपके पास सी नहीं आएगा क्योंकि गैमा भी अननोन है। अच्छा अगर आप केस 2 के फॉर्मूले यूज करोगे, केस 2 में आपके पास क्या आता था, 1/2 फॉर एग्जाम्पल सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में सोचने की सलाहियत आए, मैं सॉल्यूशन तो करवा दूंगा, मुझे पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सोचोगे किस तरीके से आप। तो अगर आप इसमें देखो कि इस वाले फॉर्मूले में सी आ रहा है, केस 2 में बाकी फॉर्मूले में तो सी आ ही नहीं रहा था ना, तो सी निकालने के लिए एटलीस्ट वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें सी आता हो। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आपको सवाल में ना अल्फा पता है ना बीटा पता है ना गैमा पता है, एरिया पता है आपको लेकिन अल्फा बीटा गैमा नहीं पता, तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट सी नहीं निकाल सकते तीसरे वाले फॉर्मूले में। तो अगर आप देखो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे या नहीं होगा, मुश्किल होगा क्योंकि आप एस निकालोगे, एस के अंदर सी आ रहा होगा, तीसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि एस के फॉर्मूले में सी आ रहा होगा, आप एस की जब वैल्यू पुट करोगे तो सी की फॉर्म में आएगी, तो थोड़े ना आपके पास खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन यूज हो सकता है वो वाला फॉर्मूला भी। उससे इजी हल मेरे पास क्या है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसका इजी हल ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले गैमा निकाल लो। ये जो पहला वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना 1/2 AB sin gamma, ये मैंने फॉर्मूला वैसा गलत लिखा है, यहाँ पे बीटा आना चाहिए था, फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीटा नहीं पता आपको। ये पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर आप देखो आपको ए भी पता है आपको बी भी पता है और यहाँ पे आपको एरिया भी पता है, तो कहने का मतलब आपको सब चीजें पता है, आप यहाँ से गैमा निकाल सकते हो, और वंस आपके पास गैमा आ जाए तो आप सी आसानी से निकाल लोगे लॉग कोसाइन से, लॉग कोसाइन में जो सी आता है उसके लिए आपको गैमा पता होना चाहिए था, गैमा आप यहाँ से निकाल लोगे, तो कहने का मतलब सॉल्यूशन आपका काफी साफ सुथरा हो जाएगा। मतलब हीरो फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, जरा वो भी देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं जो मुझे पसंद है सॉल्यूशन वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। सवाल है किसी का कोई, आ जाओ जरा सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे कंसीडर करो 1/2 AB sin gamma वाला फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 है, ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा साइन गैमा, जरा कैंसिल करते हैं, 2 1 2 ये 2 हो जाएगा, अच्छा 2 5 10, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन गैमा आ जाएगा 6/10, मतलब सिंप्लीफाई करो
थ्री अपॉन फाइव। अच्छा यहां से जो भोले वाले बच्चे हैं ना वो एक काम कर सकते हैं, वो गैमा निकालेंगे, साइन इनवर्स करके गैमा निकालेंगे और गैमा आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और काम भी यूज कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो मैंने इसके बाद कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करवाना था, मैंने लॉ ऑफ कोसाइन का ये वाला फॉर्मूला यूज करवाना था, जिस फॉर्मूले में क्या आता था, कॉस गैमा। तो अगर मैं गैमा के बजाय डायरेक्ट कॉस गैमा निकाल लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस गैमा पुट करना है ना असल में, तो मेरे पास या तो कॉस गैमा की वैल्यू निकाल लो या गैमा निकाल लो, उसके बाद कॉस ले लेना, उसका एक ही बात है। तो इस वाली इक्वेशन से ना मैं डायरेक्ट कॉस गैमा निकाल सकता हूँ। तो आपके पास दो हल है यहाँ पे, या तो आप साइन इनवर्स करो और गैमा कैलकुलेटर से निकालो, जो गैमा आ रहा होगा यहाँ पे पुट करना, आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी निकाल लेना, या पे काम करो डायरेक्ट कॉस गैमा निकाल लो। कॉस गैमा डायरेक्ट कैसे निकलेगा, अगर आप लोगों को याद हो ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे पता है कॉस गैमा 4/5 है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, मुझे आइडिया है कॉस गैमा 4/5 आएगा। लेकिन अगर आप ये वाला मेथड यूज करना चाह रहे हो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तीसरी साइड 4 आएगी। और जब राइट ट्रायंगल आ जाए तो कॉस मालूम करो, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो मैं ये वाली टेक्निक भी लगा सकता हूँ कि डायरेक्ट कॉस निकाल लूँ। या इजी हल यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे गैमा निकालो साइन इनवर्स करके, तब भी गैमा आ जाएगा, और यहाँ पे पुट कर देना। तो आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताना, जो भी मेथड यूज करना है कर लो। यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, ये लिख दिया मैंने, अब जरा वैल्यूज पुट करो। ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -2ab, और कॉस गैमा मैंने निकाल लिया 4/5। अब देखिए कैलकुलेशन में बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट कॉस गैमा की जो वैल्यू निकाली थी 4/5 को यहाँ पे पुट कर दी है। चाहो तो आप यहाँ पे गैमा निकाल के पुट करो, तब भी आंसर आ ही जाएगा आपका। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे बचेगा 244, 4 4 16, 16 को 2 से करो 32। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें ना तो 25 - 32 होगा -7, -7 + 16 9, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट। तो जो आपने निकालना था सवाल में सी, वो आपके पास आ गया। इस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे आप वो वाला तरीका भी यूज कर सकते हो लॉग कोसाइन का, वो भी जरा देख लेते हैं कि अच्छा शॉर्ट पड़ता है या लंबा पड़ता है। जो हीरोज फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ना यहाँ पे, उसमें आपको एस चाहिए होता है। एस क्या होता है, 1/2 a + b + c। तो a + b क्या है, 4 + 5 क्या होता है, 9, तो ये हो जाएगा 9 + c/2, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था एस, s - a, s - b, s - c। तो जरा वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 6 है, यहाँ पे आपको अब देखो पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एस है यहाँ पे 9 + c/2। अब जब आप s - a निकालोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो यहाँ पे आपको काफी टाइम लग जाएगा। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि तरीका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मैं अपना भी चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये s - a क्या होगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, 9 + c/2 से माइनस करो अगर 4 को, तो 2 8 जा, तो ये c+1 बच जाएगा यहाँ पे सिंपल। s - b निकालोगे तो यहाँ पे c-1 होगा, और अगर s - c निकालोगे 9 - c हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन आ जाएगी पूरी, और लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है यहाँ पे 6 है, आपने s - a, s - b, s - c निकाल दिया। अब देखो 2 2 2 2, 4 2 है, मतलब 16 आ जाएगा। 16 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है, जिसको आप इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो वो 4 हो जाएगा। उस 4 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना 24, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9 + c, 1 + c, c - 1, 9 - c। अब देखो सॉल्यूशन आपका मुश्किल है, कोई इजी तरीका है नहीं यहाँ पे। मैं बेशक अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूँ, बेशक अननोन यहाँ पे सी है, लेकिन मेथड काफी मुश्किल हो रहा है। क्या आप यहाँ पे बेशक स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन में सी की पावर 4 आ रही होगी, सॉल्यूशन काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा इसका, तो ये हमारे लिए बेस्ट अप्रोच नहीं रहेगी। तो वही कहने का मतलब सी डायरेक्ट निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपने पहले गैमा निकाला और उस गैमा के जरिए से आपने सी निकाल दिया। सवाल लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज एक्स यूनिट। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। अब सारी साइड आपस में इक्वल है, लेकिन उनको नाम हम क्या दें,
ए का नाम दें सबको, क्योंकि सब इक्वल ही है ना, एक ही नाम दो आप उसको, ए का नाम दे दो, बी का नाम दे दो, या सी का नाम दे दो, क्या नाम दो। तो बुक ने खुद ही नाम दे दिया कि उसकी जो साइड है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इक्विलेटरल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे बुक वालों ने नाम दे दिया कि जो आपका बी सी होगा ना वो यहाँ पे किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। सारी साइड जो है वो इक्वल है और किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी सी सब इक्वल है और किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब आपको क्या बोला हुआ है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप यहाँ पे एरिया निकालो। तो जरा एरिया कैसे निकालना है, देखो एरिया निकालने के तरीके हैं यहाँ पे। आप मेरे ख्याल में कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल भी पता है, सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री होते हैं। तो अगर आप केस वन यूज करना चाह रहे हो, केस वन का फॉर्मूला क्या था, 1/2 a b sin gamma, ये फॉर्मूला था। तो आपको पता है यहाँ पे a क्या है, x, b क्या है वो भी x, और साइन गैमा, गैमा यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा x² / 2, साइन गैमा क्या होता है, √3/2। तो आंसर आ जाएगा √3/4x². ये भी फॉर्मूला आपको सही आंसर दे रहा है, ये केस वन का फॉर्मूला यूज किया। केस टू का फॉर्मूला क्या था, 1/2 a² sin β sin γ / sin α। तो जरा वैल्यूज पुट करो, ए यहाँ पे एक्स है तो ये x² हो जाएगा, साइन बीटा मैंने बताया सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी sin 60 हो जाएगा, ये भी sin 60 हो जाएगा, और नीचे भी sin 60 आ जाएगा। तो √3/2, √3/2 ये हो जाएगा 3/4, नीचे है √3/2, तो ये सिचुएशन बनेगी 3/4 और नीचे है √3/2। तो कैंसिल करो, आपके पास सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 3/2√3, उसको मल्टीप्लाई कर दो x² / 2 से, तो अगेन वही ये हो जाएगा x² / ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4√3 आ जाएगा। ये 3/√3 जो है ना ये सिंपल √3 के बराबर होता है, 3/√3 जो है ये बराबर होता है √3 के। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल कि आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे, अच्छा तीसरा वाला फॉर्मूला जो हीरोज फॉर्मूला वो भी आप यूज कर लो, तब भी आपके पास यही रिजल्ट आ रहा होगा। तो सब फॉर्मूले जो है वो आपको एक ही रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं, आपकी मर्जी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। मैं कंफर्टेबल होता हूँ हीरोज फॉर्मूला यूज करने में, तो इजी भी होता है थोड़ा, और आगे उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसमें भी काफी काम है, हीरोज फॉर्मूला काफी यूज कर रहे होते हो। तो हम हीरोज फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं, लेकिन आपकी मर्जी आप किसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, यह हीरोज फॉर्मूला है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, एस ए बी सी, एग्जैक्ट यही सवाल आपको 11.4 में भी मिलेगा, लेकिन वहां पे कुछ और काम कर रहे होंगे, तो यही आपने उस वाले फॉर्मूले में यही काम करना पड़ेगा आपको, तो बेहतर अभी से कर लो, सीख लोगे आप लोग। तो एस यहाँ पे क्या है, 1/2 a + b + c, सब एक्स के बराबर ही है, यहाँ पे आ जाएगा 3x/2 के, पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, एस की जगह पुट कर दो 3x/2। अच्छा जी, s - a क्या होगा, देखो s - a, s - b, s - c यहाँ पे सेम होगा क्योंकि ए बी सी आपस में इक्वल है ना, तो आप सिंपल s - a निकाल लो। s - a क्या होगा, डायरेक्ट निकाल लेना पहले इस वाले मेथड में ना, पहले आप s - a निकाल लेना यहाँ पे। कैसे निकालोगे, s है यहाँ पे 3x/2 और a है यहाँ पे x, तो 3x/2 से जब आप x माइनस करोगे तो क्या तरीका होगा, 2 को माइनस x से करो, -2x, 3x - 2x ये हो जाएगा सिंपल एक्स, तो आंसर आ जाएगा x/2। तो s - a भी यहाँ पे x/2 है, s - b भी यहाँ पे x/2 है, s - c भी यहाँ पे x/2 है, सारे डिस्टेंस जो है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब वही काम करो, 2 2 2 2 ये हो जाएगा 16, 16 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नीचे मैंने 4 लिख दिया, ऊपर क्या है, 3x x x, तो ये रूट के अंदर क्या होगा, 3x की पावर 4। गौर से समझो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, भाई देखो न्यूमरेटर में अगर आप देखो 4x है, मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 हो जाएगा और उनके साथ 3 है, डिनोमिनेटर में 16 था, ये सिचुएशन थी। चलो नेक्स्ट स्टेप मैं कर लेता हूँ, ये सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर में 4 2 है, मल्टीप्लाई होगा 16 और ऊपर 4x है, तो x की पावर 4 और 3 आप। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, देखो 3 का रूट तो √3 होता है, उसको तो हमको एक्स्ट्रा लिख नहीं दे होते, x की पावर 4 का जब आप रूट लोगे तो ये x² हो जाएगा, और 16 का रूट लो तो ये 4 हो जाएगा। तो अगेन आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा।
तो जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है। क्या फॉर्मूला है? √3/4 x². अब बिल्फर्ड सवाल में अगर आपको एक्स की वैल्यू दे दें, पेपर में अगर हल्का फुल्का सवाल कंसिडर कर लो, अगर चेंज कर दिया कि शुरू में ही सवाल दें और बोले कि एंड पे एरिया निकालो बाई लेटिंग x = 4, कि एक्स की वैल्यू 4 आपको दे दें, पुट करके एरिया निकालो, तो अब यहाँ पे एक्स की जगह 4 पुट कर देना, जो भी आंसर आ रहा होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हल्का फुल्का वो चेंजिंग करे तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो।